नमस्कार दोस्तों, मिस्टीज किचन केटल में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आज आपको गुजराती स्टाइल खिचिया पापड़ की रेसिपी बताऊंगी, जो कि बहुत ही बढ़िया और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 1 किलो चावल का आटा लिया है। चावल के आटे में मैंने 250 ग्राम साबूदाना डाला है। दोनों को मिक्स करके इसका एकदम फाइन जो आटा है पीस कर तैयार किया है। और यहाँ जो पानी की जो हमें क्वांटिटी लेनी है वो हमें 1 किलो में ये जो पतीला जो है उसमें 1 लीटर पानी आता है, तो इस तरह हमें इस पानी के 2 भाग लेने हैं। और यहाँ कुछ नमक, अजवाइन और पापड़ खार लिया है। तो यहाँ एक बड़े बर्तन में मैंने ये जो पतीला था लगभग 2 लीटर के जितना मैंने इसमें पानी डाला है। और ये जो पानी है, पानी को हमें कम से कम 2 इंच तक कम हो जाए इतना हमें बॉईल करना है। इससे क्या होता है ना, जो हमारे जो पापड़ होते हैं चटक जाते हैं या फट जाते हैं, टूट जाते हैं, तो ये चीज़ नहीं होती। इसीलिए हमें पानी को ज़्यादातर इसमें बॉईल करना है लगभग 1 घंटे के लिए। अब उसके बाद यहाँ मैंने इसमें अजवाइन डाल दी है, 2 या 2.5 चम्मच। इसमें मैंने नमक डाला है और इसमें मैंने 1 किलो चावल के पापड़ में हमें 3 चम्मच पापड़ खार डालना है। तो इस तरह क्या है ना, जो आपके पापड़ हैं बिल्कुल परफेक्ट और बिल्कुल चटके बिना बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होंगे। तो अब यहाँ जो हमारा पानी है अच्छे से बॉईल हो चुका था, तब यहाँ हमें इसमें चावल का आटा डालना है और इसे कंटिन्यू चलाते रहना है बेलन की मदद से, जिससे क्या है ना, कंटिन्यू चलाने से इसमें जो गांठे हैं वो नहीं पड़ती। तो ये जो प्रोसेस है हमें बहुत जल्दी जल्दी करनी है। तो इस तरह मैंने जो सारा खिचिया है बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसे हम कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, जिससे क्या है ना, इसमें अगर कुछ गांठे या कुछ बबल्स होंगे तो वो सब हट जाएंगे। तो इसे मैं 5 मिनट के लिए स्टीम करने के लिए थोड़ी देर रख दूँगी। अब उसके बाद क्या है ना, यहाँ जो हमारा खिचिया है, इसके जो पापड़ हैं, इसे हमें गरम गरम ही बनाकर तैयार करने हैं। तो मैं क्या ना, यहाँ पापड़ नहीं बनाऊँगी मैं, इसकी पापड़ी और जो गाठिया होता है वो सब इसका बनाकर तैयार करूँगी। तो जितना हमें आटा लेना है उतना हम किसी अलग बर्तन में निकाल लेंगे। तो यहाँ पहले मैंने हाथों में ऑयल लगा लिया है और इसमें से थोड़ा थोड़ा करके आटा दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। और ये जो पतीला है इसे हम ढक के रख देंगे, जिससे क्या है ना, जो हमारा आटा है ठंडा ना हो। तो यहाँ मैंने 2 बार करके इसमें से आटा निकाल लिया था। यहाँ आटा बहुत गर्म था तो मेरे हाथों में लग रहा था, तो अभी यहाँ इसे मैंने ढक के रख दिया साइड में। अब एक जो लोटा होता है ना सभी के घरों में होता है, तो उसके नीचे मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा के इसे अच्छे से मसल लेंगे, जिससे इसके अंदर अगर बची कुची गांठें भी होंगी तो वो भी मिट जाएंगी। तो यहाँ देखिए आटा हमारा बिल्कुल परफेक्ट और बढ़िया तैयार है। अब इसे मैं जो मशीन आती है झार बनाने वाली, उसके अंदर जो पापड़ी और गाठिया वगैरह रहता है, तो उसमें मैं सभी में ऑयल लगा के दोनों साइड मैंने इसमें ऑयल लगा लिया है और इसके अंदर भी मैंने ऑयल लगा लिया है, जिससे जो आटा है अंदर चिपके नहीं। तो इसी तरह हमें ये जो आटे हैं इसकी हमें पापड़ी जो है बनाकर तैयार करनी है। इसी की चीज़ से आप ना पापड़ बनाकर भी तैयार कर सकते हैं, या तो आप पापड़ बनाने वाली मशीन से पापड़ बना सकते हैं, या किसी बेलन और चकले की मदद से आप इसके पापड़ बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसी मेथड से आप खिचिया बनाएंगे तो ये परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ मैंने छत पर कुछ कपड़े बिछा कर उसके ऊपर ये जो पापड़ी है मैंने बना दी है। तो इसी तरह आप मनचाहा कोई भी शेप दे सकते हैं, पापड़ी, गाठिया या जो मोटी वाली झार आती है वो कुछ भी आप बना सकते हैं। तो मैं पापड़ी बनाना ज़्यादा पसंद करती हूँ और गाठिया, तो मैंने यहाँ कुछ झार भी बनाई है। तो इसी तरह मैंने सभी आटे की पापड़ी और झार बनाकर तैयार करी है। तो इसी तरह सभी चीज़ें मैंने धूप में ही सुखाई हैं। अगर किसी के घर पे या किसी के यहाँ धूप नहीं आती है तो आप इसे पंखे में भी सुखा सकते हैं। तो पंखे में क्या है, 2 से 3 दिन हमें इसे सुखाना पड़ेगा।
और धूप में क्या है ना, ये आसानी से 1 घंटे 1 दिन में ही अच्छे से सूखकर तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने सभी झार गाठिया और जो पापड़ी है बिल्कुल बनाकर तैयार कर ली थी, और ये जो है 1 दिन के अंदर ही सूखकर तैयार हो चुकी है। तो देखिए कितनी बढ़िया सूख गई है हमारी। अभी यहाँ मैं आपको इसे फ्राई करके दिखाती हूँ। तो एक कढ़ाई में मैंने ऑयल गरम करने रख दिया था, तो यहाँ ऑयल गरम हो गया था। अब इसमें मैंने जो पापड़ी और गाठिया बनाकर तैयार किया है उसे इसमें डाल दूँगी, और देखिए कितनी बढ़िया फूले फूले और कुरकुरे हमारे पापड़ी और गाठिया बनकर तैयार हुए हैं। इसी तरह आप पापड़ भी बनाएंगे तो जो हमारे पापड़ हैं बिल्कुल बिना चटके बिना फटे ही बढ़िया फूले फूले पापड़ बनकर तैयार होंगे। बस जो हमारा खिचिया है बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। उसमें अगर आप ये जो मैंने मेज़रमेंट और माप बताया है, अगर आप उसी के साथ खिचिया बनाकर तैयार करते हैं तो आप बहुत ही आसानी से बिना झंझट के घर पर ही बढ़िया खिचिया पापड़ बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ जो है हमारा बढ़िया पापड़, ये जो है पापड़ी बनकर तैयार है। अब इसे हम गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व करेंगे। तो इसे जो है हम इवनिंग स्नैक्स में भी खा सकते हैं। तो देखिए यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कितने बढ़िया तरीके से पापड़ी जो है हमारी कुरकुरी और करारी बनकर तैयार हुई है। अगर आप सभी को रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करना। बाय बाय।